जाने जाना रब दा फैसला। मेरी मानो कुतुब मियाँ, तो बच्चों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते तलाश करने शुरू कर दो। मेरे साथ तो शर्त लगा ले, खाला से कह दे तो 2 माह के अंदर दोनों को निपटा देंगे। यानी कि अपनी बच्चियों पर भी शर्त लगा लूं मैं? मुंह से निकल गया, खाला समझाए ना। सफियुल्ला अकल से काम लो, जवान हो गई हैं अब वो। हाँ लिया था ना आपके कहने पर एक बार अकल से काम, क्या नतीजा निकला? उस बर्फानी रीत से हमने माँ का रिश्ता तय कर दिया। क्या था उनसे काम ले? एक दफा वो आज है बर्फानी रीच यहाँ पर, पूरे शहर में मुंह काला करके सैर करवाएंगे, वहां से बैठे बिठाए तलाक भिजवा दी उसकी इधर ने। दादू प्लीज, सफियुल्ला ये तो किस्मत का खेल है, कोइंसिडेंस। हाँ वो किस्मत का खेल है, हम तो यहाँ बैठ कर गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। सफी चाचा कश्मीरी चाय पियेंगे आप? आदम बहुत अच्छी बनाता है। पहले ये कड़वी कॉफी तो हजम हो जाए मुझे। अच्छा चले आप ये मीठा केक तो खाए, मुँह तो मीठा करे। बाबा हम आदम भैया के गिफ्ट्स खोलें? अब मेहमानों के सामने कौन गिफ्ट्स खोलता है? हम खोलते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, जाओ खोलो। हाँ नेहा बेटी के तोहफे से शुरू करो, और कोई मुझसे शर्त लगा ले कि इतने बड़े डिब्बे में से कोई छोटी सी चीज निकलेगी। हमसे नहीं लगती शर्तें बरते, इन्होंने सारी जिंदगी शर्तें ही तो लगाई हैं। मैं खोलता हूँ। एक तो इस लड़की की बातों पे मेरा दिमाग खोल जाता है। सॉरी ना, मतलब खोलती हूँ। शाबाश। ये नहीं, इसका मतलब बहुत कीमती चीज होगी इसके अंदर। लो एक और डिब्बा निकल आया, अब तो कोई 10,000 की शर्त लगा ले मुझसे कि खोदा पहाड़ निकलेगा इसमें से। एक और डब्बा, ये फाइनल डब्बा लग रहा है। नहीं तो सिल्वर स्पून। हमने सिल्वर जुबली तो सुना था, ये सिल्वर स्पून क्या होता है भाई? इसका मतलब है कि बरखुरदार 25 साल के हो गए और ये गिफ्ट ने चमचागिरी की आला खिदमात पे दिया जा रहा है। भाई वाह माशाल्लाह है भाई, एक बात की तो दाद देनी पड़ती है, मेरी पोतियों की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत आला है। कोई और शर्त लगाता तो जीत जाता। मेरे ख्याल में तो हमें अब चलना चाहिए। जाते जाते ये तो बता दीजिए, सिल्वर स्पून किसकी चॉइस थी? रिलैक्स यार, छोटी सी शरारत ही की उसने। ये छोटी सी शरारत है? इंसल्ट की है उसने मेरी, चमचागिरी का इल्जाम लगाया मुझ पर। यार अब तू ओवर रिएक्ट कर रहा है बस। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, वो ओवर होती जा रही है मेरे साथ, हद होती है हर बात की भाई। अच्छा फिक्र मत करो, मैं उसे कहूंगा कि वो नहीं कहे तुम्हें वो। कोई जरूरत नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है उसके अंदर। अब इज्जत करता हूँ उसके बाप की, उस्ताद है वो मेरे, हमेशा वही प्यार और मान दिया है मुझे जो मैं बाबा से एक्सपेक्ट करता हूँ, तो उन्होंने कभी दिया नहीं। समझ सकता हूँ तो क्यों इतना सेंटी हो रहा है। और बात सेंटी होने की नहीं है भाई, अब सुबह हो शाम घर या यूनिवर्सिटी हर जगह मुझे अपने बाप का चमचा कहती है, अब मैं कब तक बर्दाश्त करूं? वैसे एक बात है, कभी उसकी जगह अपने आप को रख के देखा है? कोई जरूरत जरूरत है
जो प्यार इज्जत उसके बाप से तुम्हें मिलती है वो उसे अपने बाप से कभी भी नहीं मिली, इसलिए उसका रिएक्शन तो बनता है ना। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने प्रोफेसर साहब के दिल में बेटे की चाहत थोड़ी डाली। मैं तो नहीं कहता उनको कि अपनी बेटियों के साथ सख्ती करें। समझा तो सकते हो ना? वो समझा सकती है हमारे बाप को कि अपनी जिम्मेदारियां निभाए और आए दिन हमारे लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। नहीं समझा सकती ना। दुनिया के किसी के बाप को कुछ भी समझाया नहीं जा सकता जब तक वो खुद ना चाहे। आज तो कुतुब महल सोया हुआ महल लग रहा है भाई। भाई क्या हो गया? सोया हुआ महल लग रहा है आज। शहजादियों को तो जहरीली सुइयां अब्बा चुभोएंगे, एक दफा मंजर आम पे तो आने दे उन्हें। और कहां है ये जलालुद्दीन अकबर के डुप्लीकेट? वैसे 2 घंटे हो गए अब्बा की एक आवाज नहीं आई अंदर से, कहीं गूंगे का गुड़ तो नहीं खा लिया उन्होंने? गुड़ तो वो हम तीनों को खिलाएंगे, वो भी जहरीला, एक बार पुकारने तो दे। ये सब कुछ ना नेहा की बच्ची की वजह से हुआ है। पता नहीं आतंक को देखे कौन सा लावा उबलने लगता है इसके अंदर। बिलबतूड़ी की रूह आ जाती है बाजी के अंदर। जलाली रूह तो अब्बा के अंदर हलचल मचा रही होगी। तो तुम्हारी अम्मा कहाँ है इस वक्त? अब्बा की जलाली रूह को पुरसुकून करने के वजीफे पड़ी है। मैं तो सोच सोच के अपसेट हो रही हूँ, अब्बा के जहन में पता नहीं क्या चल रहा होगा। मुझे तो लग रहा है पानी खतरे के निशान को क्रॉस कर चुका है। तो फिर मुझे टिकटॉक के फैन से फौरन मशवरा मांगना चाहिए ना। वो तो सब मजाक सुन रहे आपको। हर किस में नहीं, मुझे तो आतंक की शक्ल याद आ रही है। सिल्वर स्पून। आदम। हाँ। कहाँ चले गए थे भाई? वो वैसे ही दाम घुट रहा था घर में। अच्छा अच्छा, तेरी बाइक कहाँ पे? वो तो आप ठीक करवाने लेकर गए थे वर्कशॉप। मैं तो सारा दिन तुम्हारे डिनर के चक्कर में लगा रहा हूँ, मैं कहाँ लेके जाऊंगा बाइक? तो फिर मेरी बाइक। बाबा। अरे प्यारी होगी बाबा को। अरे भाई तुम लोगों का गुस्सा नहीं कम हुआ? छोड़ो ना, बच्चियां थी शरारत कर रही थी, जाने दो। ये देखो तुम्हारे अब्बा मेरे लिए कितना प्यारा दुपट्टा लेकर आए हैं। आपका दुपट्टा तो आ गया आपके बेटे की बाइक की कुर्बानी देके। क्या मतलब? बाबा ने मेरी बाइक बेच दी। वर्कशॉप वाला कह रहा था बहुत काम है बाइक में। हाँ तो इसलिए आपने सोचा कि मैं उसका काम ही तमाम कर दूं। ये तो और क्या, इतने हमारे पास फजूल पैसे थोड़ी हैं जो हम रोज रोज लगाए उस शहजोरी पर। इसी शहजोरी पर तो आपका बेटा जाता था ना यूनिवर्सिटी, कुछ सोचा है आपने? अब कैसे जाएगा वो? कुतुब की गाड़ी पर। अच्छा पेट्रोल का खर्चा भी कम होगा। तो रोज रोज उनके साथ जाना अच्छा नहीं लगता? रोज रोज 36 कामों के लिए बुलाते हैं तुम्हें, अगर शर्म आए तो सरमत की गाड़ी ले जाना। तो ये कैसे जाएंगे रेस्टोरेंट? बाबा आप पहले बात तो कर लेते, आपने जरूर कोई शर्त लगाई होगी है ना? सुबह पूछा था ना तुमसे पैसों का, बिजनेस शुरू करने के लिए। मैंने कहा था ना सुकून से बैठ के बात करेंगे। अरे सबर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना तुम्हारे बाबा में। बेटे की बाइक उठाकर ले गए बेचने के लिए और ला के मुझे दे दिए ये दुपट्टा, नहीं चाहिए मुझे। हाँ भाई कोई बड़ी नाशुक्री औरत है भाई, बड़ी नाशुक्री औरत। नाशुक्री नहीं है, बहुत सबर करने वाली खातून है जो आपके साथ इतने साल गुजार लिए। प्रोफेसर कुतुब का नहीं अपनी माँ का भी चमचा ये। सही नया ने इसे खिताब दिया। अरे भाई कोई मोटरसाइकिल ले दो इस आदम खोर को। बाबा मैं कहाँ से पैसे लाऊं, बिजनेस से पैसे नहीं निकाल सकता और वैसे भी लोन लिया है बिजनेस पे। बैंक से ही ले दो ना कोई छोटी मोटी गाड़ी, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे ही बहुत पैसे जमा करके रखे होंगे तुम्हारी माँ ने अपनी खुफिया तिजोरियों में। मैं तो कमाता नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इसी के पास होंगे सारे पैसे। देख लेना जरूर निकल आएंगे, गाड़ी भी आ जाएगी मोटरसाइकिल भी आ जाएगी। ओ मेरे खुदाए, मैं तो चूल्हे पे दूध रख के आई थी, उबलने उबल गया होगा अब तो। मैं भी जा रहा हूँ अपनी बाइक पर। ओ मेरे पास तो बाइक है ही नहीं। मेरे पास तो गाड़ी है, चाबी अब्बा से छुपानी पड़ेगी। बस कर दे बहन, कितनी कड़क चाय बनानी है? कड़ा के तो अभी अब्बा निकालेंगे अच्छी तरह। ज़ॉम्बी वायरस कहाँ रह गई? हेडक्वार्टर से खबर लाना कोई आसान बात नहीं है। कि अब्बा की भी समझ नहीं आती भाई, झाड़पट्टी करना है तो बुलाकर कर ले, ये चुपचाप का रोजा रखे क्यों बैठे हुए? ये ना किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है। मुझे तो लग रहा है मेरे नाप की बोरी सिलना शुरू हो गई है। तुम ऐसी हरकतें करती क्यों कि अब्बा का इश्यूज हो?
अरे अब्बा को तो मेरे हंसने से लेके चीखने तक हर चीज से इशू होता है। इतना टोका टोकी करती है ऐसा लगता है जापान के शहर टोक्यो में आ गई हूँ मैं। ओ बहन, 1965 की हीरोइन की तरह ये लंबी सांस लेना बंद करो, बताओ क्या न्यूज आई हो हेडक्वार्टर से? अब्बा ने अम्मी को अपनी स्टडी में बुलाया है। लो जी, बज गया धुलाई वाला बैंड। जब सिडनी वाला रिश्ता आया था ना, तब भी अब्बा ने स्टडी में बुलाया था सबको। ओ ये स्लाइड को भी अभी जाना था। जब जिंदगी में अंधेरे होना तो फिर लाइट जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना अंधेरा तो लाइट के जाने से नहीं हुआ जितनी नहुसत तुम दोनों के चेहरों पे छाई हुई है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं अब्बा गन वन ना मंगवा ले अपने उस एसपी फ्रेंड अंकल हावर से। गोली मार देंगे तो बेइज्जती की लाशों की करेंगे। इतना ठंडा इंतकाम रखने वाले नहीं हमारे अब्बा। जो तुम्हारी हरकत है ना, अब्बा फांसी घाट भी लगा देंगे इस घर में। अरे मेरी चंपा कली, इस बात पे देता ली क्या? सारी शर्म बेच कर खा गई हो तुम तीनों है? तुम्हारा बाप वहाँ अंगारे चबा रहा है और तुम यहाँ तीनों खेकी खेकी कर रही हो। चलो अब वहाँ कहाँ, कब्र में? हाँ कब्र में, अब वहीं जाकर होंगे सारे सवाल जवाब। अम्मी मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने भी कुछ नहीं किया। चलो शनाख्ती परेड चल रही है कोई? छित्तर परेड चलने वाली है, आखिरी दीदार कर ले हमारा, पता नहीं फिर मुलाकात हो या ना हो। तुम्हारी जबान नहीं बंद कर सकती। कोई लॉक मिलता है तो ला दो बहन, लगा लूंगी। काश ऐसा लॉक इजाद हो जाए। एक छोटे से स्पून के पीछे के जान लेंगे अपनी बेटियों की। ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। बहुत गुस्से में है तुम्हारा बाप। और तुम लोग अपनी जगह क्यों बदलती रहती हो? एक दफा सामने आओ, फैसला हो जाए। चलो अब आ जाओ वहां। हाथियों की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज का होता है? घास का। अरे भाई बेफिक्र होके जाओ, तुम्हारा बाप चुन्नी मुन्नी घास नहीं खाता, जाओ। दादू आप हंस रहे हैं? दूसरों को मुसीबत में हंसने वाले ना कोई अच्छे इंसान नहीं होते दद्दू। दादू दुआ कीजिएगा वापसी पर सबकी टांगे सलामत हो। गुड लक बेटा। अगर हालात ज्यादा खराब हो तो जाके मिस कॉल मार देना, मैं दरवाजे के बाहर ही बैठूं। जी नहीं, आप साथ चल रहे हैं, चलें। क्या है? हम सब साथ में डूबेंगे। इसे कहते हैं चराग तले अंधेरा। प्रोफेसर की औलाद और एकदम जाहिल और खुदसर। जरा तहम्मुल से काम ले। क्या तहम्मुल से काम लूं? ये जो टोकरा भर के लड़कियां पैदा की हैं तुमने, कभी इन्हें बताया है कि तहजीब और तमीज किसी चिड़िया का नाम नहीं है? एक मिनट मियां, मेरी भांजी क्या जहेज में लाई थी ये बेटियों का टोकरा? बाबा जी प्लीज आप तशरीफ ले जाइए, मुझे इनसे बात करने दें। मैं कल खुद जाकर माजरत कर लूंगी ना आदम के घर। हाँ अभी से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि तुमने सारी जिंदगी यही करना है। अल्लाह ना करे। जैसी तरबियत की है ना तुमने अपनी बेटियों की, सुबह दोपहर शाम माफिया मांग नहीं जाया करोगी तुम इनके ससुराल। इतनी भी बदतमीज नहीं है मेरी बेटियां। कभी इस कीमिया दान की जबान की पैमाइश की है तुमने? सबसे ज्यादा ढील और आजादी इसी को दे रखी है। खूंटे से बांधकर रस्सी से ढील देने को आजादी नहीं कहते अब्बा। और ये छोटी दुनिया मैच मेकिंग ऐप बना रही है अपनी तमन्ना खाला के लिए, उगी है नहीं और लोगों के जोड़े बना रही है। अल्लाह करे मिली की नानी को वाकई में मोड़ ले जाए, चुगली मार दी अब्बा के कान में। और तुम उम्र में बड़ी हो लेकिन अकल छोटी पड़ जाती है अपनी बहनों के सामने। क्योंकि बहनें कम डायने ज्यादा है, हर बार इनके गुनाहों का टोकरा मुझे उठाना पड़ता है। प्लीज ऐसे काम करना छोड़ दो जिसकी वजह से नजरें नीचे और हाथ पीछे करना पड़े बाप के सामने। गेट की बेल खराब हो गई है फिर से। यहाँ पे तो हमारी सारी औलाद खराब हो रही है, आप घंटियों को रो रहे हैं। कोई नहीं आएगा इस घर में इनको बयाने। देखो नहीं तमन्ना खाला के टैलेंट पे तुम बिल्कुल शक मत करो, कहीं ना कहीं से कोई गधा घोड़ा या बैल ढूंढ निकालेंगे तुम्हारी बेटियों के लिए। चलो लड़कियों नमाज का टाइम हो गया, चलो। और सुनो अपने मजाक का लेवल कुछ अपग्रेड करो, हैं? दुनिया ये चमचों कांटों से बहुत आगे निकल चुकी है। चलो ज़ॉम्बी वारिस, चलो चल शाबाश। और तुम जो तुम इतनी आगे निकले जा रही हो, कल मेरे सामने तुम आदम को सॉरी कहोगी, ओके? चलो यहां से। हाँ
हांसी पे चढ़ाने से पहले आखिरी विश तो पूछ लेते हैं। रूम में चल के बता देना मेरी कागज की शेरनी। चल, इस सुल्तान ने तो तुर्की के सुल्तान के नाम को लीकी लगा दी। आज बता ही दे, इस सुल्तान साहब का रिश्ता ढूंढना किसने था? ये गुनाह भी मेरे ही सर आएगा। और क्या, सगा भांजा समझ के रिश्ता दिया था, सोच के कि भी अपना है मारेगा तो छांव में ही डालेगा। और ये बड़ी आउटडेटेड फिलॉसफी है, ये छांव में मारने वाली, ये भला लाश को क्या पता है वो कहां पड़ी है? हां, इसलिए करवाते हैं बेटियों की शादी। अरे दिल जलाने से कुछ नहीं होगा, इस उम्र में उनकी आदतें तो बदलने से नहीं, हमें उनकी आदतों से समझौता करना पड़ेगा। और आज तक क्या किया उन्होंने? ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के मैंने वो बाइक खरीदी थी जो आंखों में धूल झोंक के ले गया वो लुटेरा। अम्मा ऐसे तो मत बोले, मेरे बच्चों के बाप हैं वो। ओ, अपने बाप होने की कोई जिम्मेदारी कभी पूरी की है उन्होंने? जब से पैदा हुआ तो बस आपको टेंशन में देख रहा हूँ। शुरू से कोई जिम्मेदारी उन्होंने कभी उठाई ही नहीं, जब तक तो तुम लोगों के दादा जिंदा थे किसी ना किसी तरह से घर का गुजारा चलता ही रहा। तो हाँ, उसके बाद इनको गधा बनाकर दुनिया के मैदान में उतार दिया कि लगे रहो सरमल भाई। अरे यार रिलैक्स, तुम्हें जाना है यूनिवर्सिटी, तुम मेरी गाड़ी लेके चलो जाओ जब तक तुम्हारा बंदोबस्त नहीं होता। रहने दे भाई, मैं अपना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। तुम्हें क्या हुआ? पापा ने जबरदस्ती उठा के भेजा है यहाँ। आया क्यों? हम कौन सा यहाँ काबीना का इजलास कर रहे हैं? मुझे यही कह के भेजा है कि जाओ देखो छोटा वाला चमचा कौन सी प्लानिंग कर रहा है बाप के खिलाफ। किधर है बाबा? लॉन में खीर खा रहे हैं। वो जो नेहा बाजी ने आपको बर्थडे में चम्मच नहीं दिया था जी, उसी के साथ। उस चमचे को तो मैं आज उसके असल मकाम पर पहुंचा के ही रहूंगा, देखना। अल्लाह, ये डिस्को बुढ़ा रात के 12 बजे डिस्को क्यों कर रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बताओ सफीउल्ला, क्यों आधी रात को उल्लुओं की तरह जाग रहे हो? वो मैंने आईडी कार्ड की कॉपी आपको व्हाट्सएप की है ना, वो देख लीजिए और प्लीज प्रायोरिटी पे रख देंगे मेरा मसला। बुड्ढे का अकेले रह रहे के दिमाग बिल्कुल ही चटक गया। भाई, आदम भाई बहुत गुस्से में नहीं गए? क्या तो? और मैं जाके सोता हूँ। सोता हूँ? सोती हूँ। आने तो दे। ये हुई ना बात, आने ही तो। ये दे मुझे। क्या खीर? ये ट्रे चाहिए? बाबा मेरे जब का मजीद इम्तिहान मत ले। अरे भाई मुंह से बकोगे तो पता चलेगा ना क्या चाहिए, लो खीर खाओ। अच्छा तुम्हें अपना इंतखाबी निशान चाहिए ये चमचा है? अरे पहले बताना था ना, सीधे सीधे बात किया करो ना। निकाले के जा रहे हो? तेल का कुआं खोदने जा रहा हूँ अपने कमरे में। कुछ गलत मत कर बैठना इससे। इसकी सब क्या गलत? मिली को आपने भिजवाया था? हाँ भाई, मेरी नींदें उड़ गई तुम्हारे खुफिया इजलास से। हमारे इजलास से आपको कभी कोई नुकसान पहुंचा? क्या भरोसा है कब तुम अपने बाप का जुलूस ही निकाल दो हैं? बाबा आपकी औलाद हैं, दुश्मन नहीं हम। हाल बता, शायद आपने कभी हमें ओन ना किया। अरे यार बस भी करो, पीछे ही पड़ जाते हो। खीर खाने बैठा हूँ, कहो तो जहर खा लूं। ला दो, इंतजार कर रहा हूँ। शिकायत खीर भी खाने नहीं देते बैठ के। लड़कियों ने तो गुनाह बना दिया अब्बा ने हमारे लिए। दुनिया हमारे टैलेंट का ढोल बजा रही है और उस नकारे की आवाज तक ही नहीं पहुंच रही अब्बा के कानों में। अब रहने दो, आज तो तुम तीनों ने कान ही फाड़ दिए उनके। अम्मी ऐसे कौन से तारे दिखा दिए हमने अब्बा को? तारे छोड़ो, तुम तो रोज नया चांद चढ़ा के दिखाती हो उनको। वैसे जरूरत क्या थी आदम को चम्मच गिफ्ट करने की? अम्मी सोचने की बात यह है, अब चमचे को चम्मच दे दिया तो कौन सा गदर मच गया? अब्बा का सेंस ऑफ ह्यूमर ही मरा हुआ है। और मेरी आपको मेरा ऐप बना दिया, भला इतनी सी उम्र में किसके पास होता है इतना आईटी का टैलेंट? वैसे तुम तीनों ने पैदा होते ही चने चबाना शुरू कर दिए थे अपने बाप को। ये माहा बचपन में जरा सी डांट पर अपना सांस रोककर नीली पड़ जाती थी, और नेहा तुम हर तीसरे दिन नजर बचाकर उनकी किताबें फाड़ाती थी, और ये साशा, इसने तो उनका फोन पोचे वाली बाल्टी में जाके डाल दिया था। अम्मी आज आप फैसला कर लें, आप हमारी साइड पे या अब्बा की साइड पे, ये मिनट मिनट की लोटागिरी नहीं चलेगी यहाँ पे। और आप कैसे भूल जाती, तीसरी बेटी की पैदाइश पे मचल गए थे अब्बा दूसरी शादी करने के लिए। हाँ वो तो दद्दू ने आंखें दिखाकर उनका जोश मद्दम कर दिया था, वरना तीन हम होती और तीन बेटियां दूसरी अम्मी की। फिर सचता असल मेला मवेश। अच्छा छोड़ो ये बातें,
अब वो तुम्हारे बाप का और मेरा आपस का मामला है, अब तुम तीनों अपना किबला दुरुस्त करो। हाँ, और किसी गलत बात पर मैं तुम लोगों की साइड नहीं लूंगी। चलो शब बखैर, उठो। वैसे कहे तो अम्मी ठीक रही, हम लोग भी तो कितना तंग करते हैं अब्बा को। सदके जाऊं मैं इस मकाराना यूटर्न पे, कैसे कल्टी मार लेती हूँ माँ बेटी। कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है क्या? माँ आप ही तो हैं ही अब्बा की चमची, इनको भी यही गिफ्ट कीजिएगा, चमचा। चुप करो तुम। फिक्र मत करो साशा, इसकी भी बर्थडे आने वाली है, फिर पार्टी करेंगे। अब तो ऐसा कुछ करूंगा नेहा कुतुब जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लाठी तो टूटेगी आज, सांप जो दिख गया। ओए सर्कस के रिंग मास्टर, क्या पूरा सेट चाहिए तुम्हें चमचे का? ये चमचा ना अब तुम्हारे सर पर ही बरसेगा। हेलमेट पहन के रहना। तमीज से बात करो वरना ऐसे लट्टू की तरह घुमाऊंगी कि भूल जाओगे रुकना कहाँ है। ओ, ये गेम तो अब तुम चाहो भी फिर भी नहीं रुकेगी। काजू बादाम खाना शुरू कर देना कल। अरे चल, तुम क्या दिमाग के भी रख के आयो, चलो अंदर। हाँ, ले जा इस भूतनी को। अरे तुम क्या क्या कर रहे हो, जंगली बिल्ली की तरह हमले क्यों करी जा रहे हो? अरे मुझसे बड़ा भूत तो तू है। अरे मुझे काजू और बादाम खाने की जरूरत नहीं है तुम जैसे दरियाए घोड़े से मुकाबला करने के लिए। और ठीक है सिर्फ एक ऐसे तुम्हारी बारी आएगी ना लड़की की तरह रोना मत, जंगली बिल्ली की तरह उछल उछल के हमले करना। चल 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 चलो। आप ना आते ना तो उस पापा की डॉल का सर फाड़ देता उसके ही दिए हुए चमचे के साथ। फिर उसके बाप ने उसे तेरे साथ ही भेजना था हॉस्पिटल में मरहम पट्टी करवाने के लिए, तो ये जाना पड़ता। हाँ चलो तुम्हें बाहर की ठंडी ठंडी हवा खिलाता हूँ। चलो चलो तुम चलो जरा अंदर, तुम्हारे अंदर कोई जिन आ जाते बिल थोड़ी खिलू। उस मनुष आदम को गन्ने की मशीन से निचोड़ कर निकालूंगी और उसका रस गटागट पी जाऊंगी मैं। हजम नहीं होगा तुम्हें, सारे घर में उल्टियां करती फिरोगी। और तुम क्यों कूद गई थी बीच में सीज फायर करने? नहीं आती ना तुम्हारा सर फाड़ देता वो। अभी तो आपको आदम भैया से माफी मांगने की प्रैक्टिस करनी है, इस तरह। आदम भैया प्लीज मुझे माफ कर दे वरना अब्बा हलाल कर देंगे। मैं आपकी कसम खाती हूँ कभी जिंदगी में आंखें उठाकर नहीं बात करूंगी आपसे। माफी मांगती मेरी जूती, उसकी आंखें निकाल के उसकी हथेली पे दे दूंगी मैं। हाँ फिर अब्बा तुम्हारे पैरों में बेड़िया बांध के इस कमरे को जेल डिक्लेयर कर देंगे। हाँ 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 बोल। और गाइस ये है दद्दू हंसम की खूंखार पोतियां जिनके रूम में से सन 2022 की जंगे अजीम का आगाज हो चुका है। तफरुल्ला। क्या हुआ? कबर ने पहले जाकर वीडियो देखी। अरे नहीं भाई पार्टी हो रही है। भाई भाई कुतुब की बेटियों की शादियां तो नहीं हो सकती, तौबा तौबा। हाँ फिर भी कोई ना कोई उल्लू का पट्टा निकाल ही देंगी उन शहजादियों के लिए। हुआ क्या? कुछ कयामत की निशानियां भाई, वो शौकीन मिजाज बुड्ढा लाइव है इंस्टा पे और घर में पूछो को दंगल चल रहा है। नेहा उसका का पल्ला भारी है और उन्होंने ये कुशन दे मारा है नेहा के सर पर जिससे उसकी सारी धूल चाट गई है। और अब साशा नेहा पे मिसले नेहा उसका पे सवार हो चुकी है भारी चक्कर। ओ वो घर नहीं है, अखाड़ा है, अखाड़ा लेडी रेसलर्स का। और वो नेहा कुत्तम जो है ना उसकी चाल भी वो क्या कहते हैं जॉन सीना की तरह। दिखाई 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 कितना मजा कर रही है ये लोग, काश मैं भी वहां होती। दादू गड्ढे बनाना बंद करो वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे वो तो सारा मोहल्ला वैसे ही जानता है। दादू मजे मछली वीडियो बनाना बंद करे। बहुत मजे हो गए, मुझे भी दिखाओ ये पागल खाने का। कहाँ गया? कहाँ गई? डिलीट मार दी, लगता है शर्म आ गई। और नहीं तो काश ना मारते, मैं फिर सर को दिखाता हूँ उनकी बेटियों का ये खूनख्वार शो। जाने दे यार, अपने अंदर की ये लड़ाका रूह को ना अब सुला दो, डेढ़ बज चुका है। आप तो ठंडी हवा खिलाने जा रहे थे मुझे। हाँ तो पंखा चलाओ ना। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था आज। तुम्हारा बर्थडे था भाई,
बेइज्जती मजीद खराब हो गई। ठहर जा, तुझे मैं ठीक करता हूँ। हाँ, दो भाइयों की इकलौती बहन हूँ मैं, इजी मत लेना मुझे। भाई क्या हो रहा है, बूढ़ी नारी की फिक्र ही कोई नहीं है किसी को। आप ले ले। दद्दू लगता है आपका प्यारा सेल फोन अल्लाह को प्यारा हो गया। इतनी प्यारी नजरों से मेरी तरफ मत देखिए। अरे क्यों ना देखूं? जिस मिसाइल से मेरा मोबाइल बर्बाद हुआ है तुम्हारे ही मोर्चे से आया था ना। हाँ तो भला क्या जरूरत थी हथिनियों की लड़ाई में चूंटा बन के बीच में कूदने की। चूंटा बन के नहीं आया था, रेफरी बनकर आया था। बिल्लियों के अखाड़े में मुझे क्या पता था अपने पंजों से मुझे नोच खाएंगी। उस वक्त तो आपको बड़ा मजा आ रहा था बेटा, बाकी के मजे अब तुम लो। जब तक मेरा मोबाइल ठीक नहीं हो जाता तुम्हारा मेरे पास रहेगा। ये क्या बात हुई, आपने तो मेलिसा वायरस बनकर मुझ पर ही अटैक कर दिया। बताएं मेरा क्या कसूर है? बेटा कसूर जिसका भी हो हमेशा कुर्बानियां खानदान का सबसे छोटा या सबसे बड़ा दिया करता है। मुझसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है। जिंदगी में फर्स्ट टाइम मंजली होने का फायदा हुआ है। मंजली कम पगली ज्यादा लगती हो तुम। अच्छा अगर मेरी कुशन की पावर भूल गई हो तो बता दो, एक्शन रिप्ले करके दिखा देती हूँ। हमने भी आदमी चूड़ियां नहीं पहन रखी। इस कमरे में मजीद कोई तकलीफकारी हुई ना तो डड्डू हैंडसम ऑपोजिशन में जाके बैठ जाएगा। बस चलो चलो सारे अपने अपने मोर्चों में चलो चलो, वो तुम्हारा मोर्चा, चलो चलो तुम भी। मेरा मोबाइल। साशा तुम्हें इस वक्त भी चैन नहीं है? गेट पे? अच्छा रुको मैं आती हूँ। दद्दू की टिकटॉक वीडियोस देखी मैंने, सोचा मैं भी तुम लोगों के साथ पार्टी करूंगी। कौन सी पार्टी, वहां तो पानीपत का मैदान सजा हुआ था और तुम्हें पता है उस सारी जंग में ना दद्दू का फोन भी मारा गया। सच्ची? हाँ लेकिन आई लव माई दद्दू और मैं उनके लिए न्यू फोन ऑर्डर करूंगी वरना तो मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आएगी। अच्छा फिर कौन सा फोन चूज किया? ये देखो आईटेल का न्यू विजन 3। वाओ इसका 6.6 एचडी डिस्प्ले, 5000 एमएच बैटरी कैपेसिटी, अमेजिंग डिजाइन और सबसे बड़ी बात लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो, मेरे पास तो ऑलरेडी आईटेल का न्यू विजन 3 है। फिर मैं यहाँ क्या देख रही हूँ, चलो इसमें कुछ देखते हैं। ये क्या बदतमीजी है? सॉरी न्यूटन के कानून का प्रैक्टिकल कर रही थी कि जब कोई जिस्म हरकत में हो तो वो उस हरकत को खत्ते मुस्तकीम में उस वक्त तक रखता है जब तक उस पर किसी किस्म की ताकत नहीं लग जाती। थैंक यू। ये क्या बदतमीजी अब? सॉरी मैं भी न्यूटन का थर्ड लॉ रिवाइव कर रही थी कि हर अमल को बराबर और मुखालिफ रद्द अमल की जरूरत होती है। तुम कहाँ रह गई थी आज, इतनी देर लगा दी तुमने? तुम्हारे घर की बैली खराब हो गई थी, ऊपर से वैन वाले अंकल का फोन आया कि उनकी वैन भी खराब हो गई, अब कैसे पहुंचेंगे हम स्कूल? तो तुम आदम भैया से कहो वो हमें बाइक पर छोड़ देंगे। वो तो अब्बा ने सेल कर दी चोरी छुपे। आदम भैया की बाइक सेल कर दी, लेकिन क्यों? पता नहीं, भैया को तो बताया भी नहीं बाबा ने, बहुत अपसेट थे वो कल से। तभी रात चने के झाड़ पर चढ़ा हुआ था उसका भैया। हाँ आदम, यूएसबी देकर जाना ठीक है, और यूनिवर्सिटी हमारे साथ चलोगे? फाइन ओके, खुदा हाफिज़।
नेहा याद है ना आदम को सॉरी करना है? जी अब्बा। या डोंट फॉरगेट। वाह अब्बा वाह, बस किस्तों में मारने के मजे ले रहे हैं आप। मैं दद्दू को बताती हूँ कि हमें छोड़ दे स्कूल। एक मिनट, इसके सरमत भाई को कहो ना कि सारी जिंदगी गाजरों मूलियों का पोस्टमार्टम ही करते रहेंगे। वो तो सुबह ही रेस्टोरेंट चलेगा, मैं आंटी से सलाम करके आती हूँ। अपने बहन भाई को हमारे सर पर लाद कर खुद तो चले गए बिजनेस करने, हम यहाँ ढोते रहे उनकी सवारियाँ, कभी स्कूल कभी यूनिवर्सिटी। नेहा कुतुबुद्दीन, शी इज माई BEST बेस्ट फ्रेंड। हाँ करो 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 दोस्तियाँ अपने बहन के दुश्मनों के साथ, लेकिन एक बात याद रखना साशा, भेड़ को बाप नहीं सिर्फ अपनी घास याद रहती है। आप ही ध्यान दें अपनी इन फजूल कहावतों पर। अरे मुझे दे साशा की बच्ची। बेल खराब है और क्या करूं? ये नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, ये इसको ऐसे बजाते हैं, सुनना। वाह चेक करो बस, फुल साउंड, बस रिदम चेक करना। हाँ अभी रिदम चेक करवाता हूँ ना सर को। ओए ओए हमारा चम्मच वापस करो। क्यों? अली बाबा का खजाना है हाँ, जो मैं लूट कर लेके जा रहा हूँ। हमारे लिए खजाना ही है। तो इस खुले खजाने को गेट पर क्यों टांगा रखा था? मारी मर्जी। बेटा नहीं। अस्सलामुअलैकुम सर, ये आपका USB और आंटी ये आपका चमचा जो बाहर गेट पे लटका हुआ था। वहाँ किसने लटकाया? मैंने, वो आज सुबह सबको प्रॉब्लम हो रहा था ना गेट की बेल के खराब होने की वजह से, इस वजह से। इससे इलेक्ट्रिक छुआई निकलती है जो घंटी की जरूरत नहीं? नहीं अब्बा, वो सुबह जाहिल दूध वाला पत्थर से गेट बजा रहा था, अच्छे खासे रगड़ के निशान बन गए। तो ये क्या प्लास्टिक का सिल्वर स्पून है जिससे निशान नहीं लगेगा? तुमने यूनिवर्सिटी जाना कि नहीं? जी जब बजाना, मैं बस बैग लेके आती हूँ। आदम गाड़ी में चलो, मेरी जी आज पहली क्लास है। जी सर। बाइक क्यों सेल कर दी सुल्तान? वो सर पैसे चाहिए थे ना नए बिजनेस के लिए। इतने पैसों में तो सर मूंगफली का ठेला ही आएगा, पता नहीं इस शख्स में अक्ल कब आएगी। वैसे मूंगफली के बिजनेस में भी काफी स्कोप है। मूंगफली का नहीं पता, लेकिन सोच रहा हूँ क्रॉकरी का बिजनेस करवा दूँ। चमचे और कांटे काफी निकल आएंगे। सॉरी करो आदम से, रात फजूल हरकत जो की तुमने इससे। सॉरी आवाज नहीं आई। आई एम सॉरी। ओह अच्छा। आइंदा ऐसी हरकत करे तो आदम तुम डायरेक्ट मेरे पास आना, मैं ऐसा इलाज करूंगा कि स्पून की स्पेलिंग सारी जिंदगी के लिए भूल जाएगी। जी सर। प्रोफेसर कुतुबुद्दीन, सुना है अकरबा परवरी के नए रिकॉर्ड्स क्लाइम कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में? ये हवाई यकीनन तुम्हारे इन्हीं चहेते स्टूडेंट्स ने उड़ाई होगी जिन्हें एतराज है मेरी बेटी के लास्ट सेमेस्टर टॉप करने का। तो आप भी तो बाज नहीं आते, यानी कि इस प्रेजेंटेशन में तो आपने अपनी बेटी को 25 में से 26 नंबर दे दिए। ठीक है, अगर किसी को एतराज है तो वो क्रॉस चेकिंग करवा ले इन मार्क्स पर। और तुम हमेशा मेरी और अपनी चपकलिश में मेरी बेटी को क्यों घसीट लेते? घसीटना तो पड़ेगा क्योंकि आपके लिए आपकी औलाद इम्पोर्टेंट हो सकती है, लेकिन मेरे लिए इस कॉलेज के सारे बच्चे बराबर हैं। सर अगर ऐसा है तो प्रोफेसर शम्स और प्रोफेसर इरम की प्रेजेंटेशन में मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्यों आए थे? रेहा तुम चुप रहो, जाओ अपनी क्लास में। लेकिन यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कहा ना कि तुम चुप रहो। आदम इसको लेकर जाओ। जी सर। गो।
बाथरूम अंधा बाटे रेवड़ियां और मुड़ मुड़ के अपनों को दे। तो ऐसा करते हैं कि इस बार तुम ले लेना मेरी बेटी का वायवा। I'm fine with it. Bye. हम तुम मिले न जाने